हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई व्हीकल चलाते हैं, जो कि डेफिनेटली चलाते ही होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। रोड सेफ्टी मंथ जो इस साल से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक लॉन्च किया गया है, जो हर साल 11 से 17 जनवरी में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल करीब 4.5 लाख छोटे बड़े रोड एक्सीडेंट में हो जाते हैं, जिससे 1.5 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। रोड सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इंडिया को नंबर वन आने की जरूरत है। तो आइए, हिल्स हाई स्कूल के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा क्लिप तैयार किया गया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि रोड सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए और इन एक्सीडेंट्स के फिगर को कैसे कम किया जाए। थैंक यू। सबसे पहला और आम रीजन होता है ओवर स्पीडिंग। लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन रोड में सबसे आगे निकल जाना कोई अचीवमेंट नहीं होता। तो लाइफ में प्रोग्रेस करो, रोड में नहीं। कुछ लोग गाड़ी चलाते वक्त फोन बात करते हैं। मेरा उन लोगों से बस यही कहना है कि कन्वर्सेशन आपकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ड्राइविंग करते वक्त फोन को साइलेंट रखें, अपनी लाइफ को नहीं। बाकी के रीजंस देखे जाए तो बहुत से लोगों को यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ कार ही खरीदी है, सीट बेल्ट तो अभी भी शोरूम पर ही है। और पूछा जाए कि क्यों यूज नहीं करते सीट बेल्ट, तो कहते हैं ये लोग कि यार दम घुटता है। जब फैशन के नाम पे ट्यूब टॉप्स और पेंसिल पैंट पहनते हैं, तब तो इन्हें कुछ होता नहीं है। तो ज्यादा टाइम तक अपने फैशन के जलवे दिखाने हो तो सीट बेल्ट पहनो। आजकल के टाइम में बहुत से लोग अलग अलग हेयर कट करवाते हैं, अपने बालों को स्ट्रेट कलर भी करवाते हैं, कितना कुछ करते हैं हम अपने बालों को सजाने के लिए। अपना सिर तो डेकोरेट तो कर लिया, पर हेलमेट का यूज कर उसको बचा रखना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय सिर्फ स्टेयरिंग व्हील ही नहीं, बल्कि आपके और आपके आसपास लोगों की लाइफ भी आपके हाथों में।